सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। अरे कुछ सवाल पूछने थे अभी। अब किस बारे में? ये जो आप अभी ईद मिलाद आ रही है आपकी, मतलब आपकी तुम्हारी नहीं है, मेरा बोलो बोलो। सवाल पहले ये पूछने का था कि अभी लोग मतलब आप जैसे ईद मिलाद के दिन नाच करीब बजाते डीजे वाली और फटाक फोड़ करते, ये जायज है? पहले तो आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि आप नाच डीजे वाली बजाते हो और आप फटाके फोड़ते हो, जी भले तो मतलब आप फोड़ते तो हो गए ना आपके अंदर, मतलब तो क्या यानी क्या पूछना क्या आपको? तो ये शरीयत में कहाँ जाएगी कि नाच वाली चीज डीजे वाली इसको नाच जायज़ कौन बजाने बोलता की? है पहले तो ये बताओ। तो क्या ये ये लोग बजाते हैं आपके अंदर, मतलब सब लड़कों के पीछे नाचते हैं फटाकड़े भी फोड़ते, तो सही बात है ये आपकी। कहाँ लिखा अब है मतलब शरीयत में, आप बता कहीं नहीं सकते लिखा है, क्या? हराम है भाई, बोलता रहा हूँ मैं। अब रुको, अब 2 मिनट मुझे भी दो। आपने जैसा कि अभी इल्ज़ाम भी लगाया और कुछ सख्त कलाम करा, तो अगर बात सुनने की इस्तेआत हो तो आप बात करें, सुनेंगे ना बात? चलिए बोलिए सुन अब लेते। जैसे कि आपने ये बोला तुम्हारा मिलाद तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिलाद तो है ही, फिर आपने बोला तुम डीजे वाली नात बजाते फटाके फोड़ते, तो देखें एक बात याद रखें, कभी आपने किसी आलिम दीन को, दाढ़ी टोपी वालों को, इमामा बांधने वालों को आपने कभी भी डीजे में नाचते देखा? सबसे पहले सवाल मेरा ये, हाँ या ना में ही जवाब दें। देखा आपने? नहीं आपने कभी किसी आलिम दीन को, कभी किसी मदरसे के पास में, कभी किसी मस्जिद के पास में मिलाद के टाइम पर फटाके या आतिशबाजी करते किसी को देखा? नहीं देखा। अब रुक जाना यहाँ पर ही। अभी इस बेस पर अगर कोई मिलाद को हराम बोलता है माज़ अल्लाह कि क्यों मिलाद नहीं मनाना चाहिए, तो रीजन ये है कि आप लोग डीजे वाली नात बजाते हो और फटाके फोड़ते हो, तो इस बेस पर अगर आप मिलाद को गलत बोलते हो तो यही काम शादी में भी तो होते ना भाई। हेलो सर, जी जी भाई बोलिए साहब, सुन रहा हूँ। निकाह हाँ करना हाँ तो सुन्नत है ना, जी सुनना तो बेहतर। बराबर? कोई शक है इसमें? नहीं, कोई अब कोई शक इनकार करेगा ना कि निकाह करना सुन्नत नहीं है, वो काफिर हो जाएगा, क्योंकि जो नहीं। हदीस का इनकार करेगा वो काफिर है। जी वो अब तो है। निकाह करना सुन्नत है, बंदा निकाह के लिए जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल यूँ समझो, अशरफ भाई निकाह के लिए जा रहे हैं, समझाने के लिए कह रहा हूँ, अशरफ भाई निकाह के लिए जा रहे हैं, ने पीछे उनके भाई डीजे में डांस कर रहे हैं, तो निकाह हराम होगा या डांस करना हराम होगा? बात मेरा बराबर आपकी सब भाई बात, साहब पर मैं ये आपको जब ये कह रहा हूँ हराम कि है, मेरी निकाह बात निकाह सुनिए। करना हराम होगा या डांस करना हराम होगा? आप इतना जवाब दें मुझे, फिर मैं आपको आगे भी वजाहत करता हूँ। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मेरे इल्म में इजाफा हो जाए। निकाह के अंदर अशरफ भाई आगे जा रहे थे और पीछे उनकी पूरी फैमिलीज, उनकी गैदरिंग्स, उनके रिलेशन रिलेटिव वाले, उनके सब दोस्त यार सब डांस कर रहे थे। अब आप बताएं वो डांस करना हराम होगा या निकाह करना हराम होगा? हजरत आप मुझे ये बताएं, निकाह तो सुन्नत है, कोई शक नहीं है, अब आप बताएं निकाह को हराम बोलेंगे कि डांस को हराम बोलेंगे? डांस को हराम बोलेगा, अब पर हम उसी आगे, रोकने की एक पूरी मिनट, कंट्रोल योर कोशिश सेल्फ, करेंगे। कंट्रोल हाँ कंट्रोल। अब उसी फोर व्हील के आगे जहाँ अशरफ भाई जा रहे थे, पीछे डांस हो रहा था, अपने पीछे वालों को हराम बोल दिया कि वो हराम कर रहे डांस, निकाह को हराम बोलेंगे आप? नहीं जी, अब आगे उनकी फोर व्हील के आगे यूं समझो गुलाम यासीन भाई, पर हम पूरी और कोशिश बात तो करेंगे सुने, कि ये मेरी बात चीज तो सुने, मैं आपको एक पूरा का पूरा नक्शा ही आपके आप दिमाग तो में डाल देता बदली हूँ। देते हैं, गुलाम मतलब आप यासीन जहाँ भाई ने ये देखो सब, डीजे मेरी वाली बात नाच, सुनो, मेरी पहले कंट्रोल बात योर सेल्फ, सुनिए, मेरे पहले 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 मेरी बात सुन लो। लो आप बोलो। तो जहाँ देखो वहाँ डीजे वाली नाच में वापस फटाके से आपने फोड़ते हैं, इल्ज़ाम आपको कुछ लगाया, मैं आपको वही तो समझा रहा हूँ मेरे भाई मेरे प्यारे, आपने डांस को तो हराम हम बोल दिया रोकने ना की पूरी कोशिश भाई, तो करेंगे। हम आप क्या यहाँ आपका पर, हम, मजमा मतलब जहाँ देखो वहाँ पे जब बजाई हमारा बजाने मजमा नहीं डीजे। है वो, हमारा मजमा नहीं है, ये वो मजमा है जो निकाह की, अरे निकाह पर भी डांस करता है, ये वो मजमा है जो गरबों में भी डांस करता है, ये वो मजमा है जो पतंग चढ़ाने के नाम पर माज अल्लाह डांस करता है। ये मजमे को आप आलिमों के साथ के सुन्नियों के साथ ना जोड़े, ये मजमा वो है ना कि इनको ओनली फॉर डांस करने का स्टेज चाहिए, ये वो मजमा है ना इनको जो नफसानियत पूरी करने के लिए, अपने मौत शौक पूरे करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते, गरबा खेलना जायज है चलो मैं मुसलमान मानता की? हूँ जायज नहीं, मेरी पर बात आपका सुनो, गरबा काम होता खेलना है कि ये जायज है, मेरी रोकना, बात तो मतलब सुनो, तो कर तो रहे हैं मेरे भाई, आपने अभी हमारे जुलूस कहाँ देखे अभी हैं? हम देखते हैं ना, अभी हम देखते हैं ना, अभी ईद मिलाद आ रही है, हम अरे सब भाई देखते मैं हैं आपको आपको। दावत देता हूँ, मैं आपको खुद अपनी गाड़ी लेके लेने आ जाऊंगा, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे जुलूस कैसे निकलते हैं, इंशाल्लाह अगर वो हो सब सका हमने तो देखा, वीडियो इसलिए तो भेजूंगा। अब मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ तो हमने आप आपको मानने के लिए कांटेक्ट भी किया। तैयार नहीं है, निकाह के अंदर डांस होता है ना, जी होता होता है, है ना, तो निकाह हम गलत होगा बताए कि डांस जाइए। गलत होगा मेरे भाई? डांस गलत होगा कि ऑफकोर्स निकाह गलत डांस, होगा? हाँ डांस डांस गलत गलत होगा। होगा। इसी तरीके से भाई मिलाद गलत नहीं है, मिलाद में जो ये नचन ये नाचते हैं ना वो हराम काम करते हैं मेरे भाई, उसको आप मिलाद से नहीं जोड़ सकते। फिर फटाके भी शादियों में फूटते के नहीं फूटते? फूटते ना ठीक निकाह है में, फटाके फूटते के नहीं फूटते मेरे भाई?
आतिशबाजी निकाह में भी होती है और मिलाद पर भी होती है, तो भाई जिस तरीके से आप निकाह को हराम नहीं बोलते उस तरीके से आपको मिलाद को हराम बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर बहुत बड़े गुनहगार होंगे। आप उस जहालत को रोके, आपके घर के अंदर अगर एक दीवार टूटेगी ना, एक ईंट टूट जाएगी, तो वो दीवार नहीं तोड़ोगे आप, उस ईंट को रिपेयर करोगे। आप लोग क्या करते हो कम अकले इंसान के पूरी दीवार तोड़ देते हो, पूरी की पूरी दीवार को गलत बोलते हो। मेरे भाई ऐसा नहीं होता, आप लोगों को मैं दावत देता हूँ। तो हमारे जुवापुरा के अंदर मैंने तो मेरे भाई वो अक्सर के पीछे फटाखे फोड़ते हैं, लाइटें ना लगाते हैं, पर वो अक्सर वाली जो तादाद है ना, अक्सर वाली तादाद, वो आपको शादियों में क्यों नहीं दिखती है? निकाहों में भी तो डांस करती है, वो तो गर्भों में भी डांस करती है, आपको वहां नजर नहीं आती? मिलाद पर ही क्यों नजर आती है मेरे भाई? तो जो हराम है ना हजरत, वो हराम ही रहने वाला है, फिर वो चाहे मिलाद पे हो, चाहे शादी में हो, चाहे किसी और जगह पर हो। हमारे में से किसी ने आज तक नहीं बोला कि माशाल्लाह, यहाँ तक के अरे जो नात होती है उसको तो डीजे में भी कंट्रोल योर सेल्फ। बात सुने यार, आप बीच में ना बोल बोल करें, जो नात डीजे में होती है ना वो भी हराम है। नहीं देता, आप भी बोल बोल, वो तो रिकॉर्डिंग है, मैं आपको भेज दूंगा, तो उसके अंदर आप खुद सुनना कि कितनी आपने बात रखी कितनी। मैं आपको इतना इजिली समझा रहा हूँ तब भी आप तो मानने को तैयार नहीं है। अब निकाह को तो आपने गलत नहीं बोला, तो मिलाद को आप किस बेस पर गलत बोलते हैं? निकाह में भी तो नचनिए नाचते हैं और मिलाद पर भी नचनिए नाचते हैं, तो आप नाचने वालों को गलत बोलो ना, मिलाद को क्यों गलत बोलते हो? और हमारे सुन्नी उलमा इसका रदी करते हैं, यहाँ तक कि डीजे में नात बजाना भी हमारे में हराम है। आतिशबाजी जैसे मिलाद में हराम है, वैसे निकाह में भी हराम है, वैसे अपने बच्चे की विलादत पर भी हराम है। तो हर जगह पर हमें ये बेसिक पॉइंट देखने पड़ेंगे। जैसे बारहवा चांद दिखता है, ऐसे रात से फटाखे फोड़ना सब मेरे भाई, यहाँ पर निकाह होता है ना, जैसे ही तीन बार कबूल है बोलते ऐसे ही फटाखे फूटना वहाँ भी चालू हो जाते हैं मेरे भाई। वहाँ पर भी उसको भी हराम बोलेंगे और इसको भी हराम ही बोलेंगे इंशाल्लाह। आपको मैं दावत देता हूँ कि आप एक मरतबा हमारे यहाँ पर जुलूस में आपको मैं दिखाता हूँ। आप बोल रहे ना, चलो हम भी देख लेते ये बार आके। मैं आपको खुद लेने आऊंगा भाई, मैं आपको खुद लेने आ जाऊंगा अपने जुवापुरा में। 2 बजे हमारा जुलूस निकलता है, कंजुल ईमान मस्जिद से निकलेगा। अरे आप मत, मैं आपको गाड़ी मैं खुद गाड़ी भेजूंगा भाई, 4-व्हीलर भेज दूंगा, आप खुद आ जाना 7-सीटर। ओके, एकदम भी कैसा बनता है बार। बाकी ये बात से आप मुतमईन हो के नहीं हो, मिलाद को हराम बोलोगे आप? चलो एक बात बताओ, बेसिक पॉइंट क्या है? आपको हराम बोलना है तो आप नाचने वालों को हराम बोले भाई साहब, मेरी बात सुने, मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ। दो मिनट, अब देखो वलीमा करना सुन्नत है ना, वो तो बेसक सुन्नत। अब वलीमे के अंदर बेपर्दा औरतें आ रही है, मेकअप करके औरतें आ रही है, आधे कपड़े पहन के औरतें आ रही है, तो भाई अगर मैं ये कहता हूँ भाई साहब कि भाई वलीमा करना हराम हो जाएगा माशाल्लाह, किस बेस पर कि भाई देखो वहाँ पर बेपर्दा औरतें आ रही है, तो भाई मैं जाहिल होऊंगा कि नहीं होऊंगा? आप जाहिल हो गया। देखिए एक बात याद रखिए, हट धर्मी नहीं करनी। हमें क्या होता है, मसलों का हर मसले का क्लियरिफिकेशन होता है भाई साहब, तो हम वो क्लियर बात नहीं करते। हम लोग क्या हट धर्मी पड़ रहे थे डीजे में? अब फॉर एग्जाम्पल डीजे के अंदर यूं समझे नात बज रही है, तो हमारे अंदर वो भी हराम है। अब उसी नात को आप डीजे के अंदर अगर निकाह में जोड़ देते हो तो वहां पर क्यों आवाज नहीं निकलती, आप खुद बताएं। कभी आप लोगों ने जो मिलाद पर झगड़ा कर, तो इसी तरीके से झगड़े आप लोगों ने कभी किसी अरे मुसलमान के निकाह में जाके किए? आप बताएं ईमानदारी से, देखें अल्लाह तबार व तआला पर ईमान रखते ना, तो आप ईमानदारी से बताएं, आप जिस तरीके से जिस बेस पर मिलाद पर शक्तियां करते हो, उस शक्तियां को आपने कभी किसी के निकाह पर किया? होश के नाखून ले हजरत, इतना प्यारा माशाल्लाह महीना है, ये महीना ऐसा है कि समझो कि अगर हम इसको अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं तो हमें पूरे साल इसका इंतजार रहता है। तो हम तो कभी नहीं नाचते ना, हमने आज तक कभी एक फटाका फोड़ा है, हमने तो नहीं करा ये सब। हमारे यहाँ तो बाकायदा हमारे ग्रुपों के अंदर निकाह कंट्रोल, हमारे ग्रुपों में जो निकाह भी होते हैं ना, उस निकाह के अंदर यूं समझे कि गिनती के मर्द जाकर निकाह करते हैं, औरतों को तो ले जाना भी पसंद नहीं करते भाई। तो ऐसे भी बंदे जिंदा है तो भाई उनके साथ रो ना, आप क्यों नचनियों के साथ गरबा खेलने जाते हो? कोई नहीं जाता जैसे हराम कामों में, तो फिर वहां अल्लाह तो निकाहों के अंदर तो धड़ल्ले सी जाते लोग। जुम्मा के दिन वहां पर हल्दी का खाना होता है ना, वहाँ डांस पार्टियां होती है, वहां पर आप लोगों की आवाजें क्यों नहीं निकलती है? हम किया नहीं ऐसा, तो बस नहीं किया तो हमने भी कभी नहीं करा भाई। मिलाद पे ना फटाके फोड़े ना डीजे बजाए, तो आप अरे आप किस तरीके से ऐतराज कर सकते हैं आप बताए भाई? अभी मैं तुम्हारे को आके बोल दूं कि यार तुम लोग शादियों में दारू पीते हो, तो तुम्हारा गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा भाई, ये बताओ। बात आपकी सब बरोबर है, बरोबरी है, बात बरोबरी करते हैं। अब मैं आपको दावत देता हूँ, चलो आप जुवापुरा 2 बजे कंजुल ईमान है ना जो अंबर टावर, वहां से जुलूस निकलेगा, और उससे पहले 11 बजे आयशा मस्जिद है ना फतेहवाड़ी अंदर RCC रोड, वहां से जुलूस, हाँ बस वहां से 11 बजे जुलूस निकलेगा, वो जुलूस आएगा 2 बजे अरे जोहर तक कंजुल ईमान, फिर वहां से बड़ा जुलूस वहां निकलेगा। अगर इस पूरे के पूरे मजमे के अंदर आपको कहीं पर भी डीजे वाली, आपको मैं अपने साथ लेकर घूमूंगा। ओके भाई,
आपका खाने पीने का, चाय का, हर चीज का खर्चा मेरे जिम्मे। शुक्रिया, वो हम कर लेंगे खाने पीने का।